नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। द्वापर युग में आपने सावित्री की कहानी सुनी होगी। ये वही सावित्री थी जो अपने पति के प्राण के लिए यमराज से लड़ गई और अपने पति का प्राण छीनकर वापस उसे जिंदा करवा दी। ऐसा ही मामला इस बार कलयुग में देखा गया है, जहां अपने पति को छुड़ाने के लिए दुर्गा रूप लेकर एक महिला घंटों ड्रामा करती रही। मामला सिकंदराबाद थाना में एक महिला ने हाजत में बंद अपने पति को छुड़ाने के लिए घंटों ड्रामा किया। महिला ने पुलिस को कहा कि मैं दुर्गा माँ का रूप हूँ, मेरे पति को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। महिला शराबी पति को छुड़ाने के लिए हाथ में डंडे, सिंदूर और चावल लेकर सिकंदरा थाना पहुँच गई, जिसके बाद महिला ने थाना में बैठे पदाधिकारी एवं पुलिस के जवानों के ऊपर चावल के दाने सिंदूर को छीटने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला गुरुवार का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सिकंदरा पुलिस ने शराब के नशे में कई लोगों को बुधवार को देर रात गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए शराबी में एक कार्तिक मांझी भी था, जो पंचमहुआ मुसहरी का बताया जाता है। उसे पुलिस ने हाजत में बंद कर दिया था। कार्तिक मांझी की पत्नी संजू देवी अपने हाथ में डंडा, चावल और सिंदूर लेकर थाने में आ धमकी। वह अपने आप को माँ दुर्गा का रूप बताते हुए थाना में जमकर ड्रामा करना शुरू कर दिया। वहीं संजू देवी कहने लगी कि मेरे आदेश के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। महिला ने हाथों में चावल और सिंदूर को मिलाकर सभी पुलिसकर्मी पर छींटना शुरू कर दिया। इधर इस ड्रामा को देखते सिकंदरा थाना अध्यक्ष जितेंद्र देव दीपक ने महिला पुलिस के सहयोग से उसे थाना से बाहर कर दिया। वहीं महिला के साथ आई अन्य महिलाओं ने बताया कि यह भक्तनी है, इसके सर पर माँ दुर्गा आती है, इससे ज़्यादा तुम लोग मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। हालांकि पुलिस ने शराबी पति को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से कलयुग में इस तरह का रूप धारण कर थाने में ड्रामा करना कितना सही है।